करीब पांच महीनों बाद
अज गुरु का कीर्तन मिलिया है। जिवें सुके खेत नूं जे पानी ना दईए ना उहदी गुडाई ना करिए तो जमीन बंजर बन जाती है। तो कई महीनों बाद अज गुरु की गोद च बैठ के इस बाणी का गुरु की बाणी का गुरु का रूप आनंद माणिए उन्हां महापुरशां दी याद विच जुड़ मिल बैठीए जिन्होंने अपना जीवन इस संसार दे इस पंथ दे लिखे लाया। अज धन धन बाबा दासन दास बाबा आनंद सिंह जी दासन दास बाबा पूरन सिंह जी उन्हां दी छवि नूं कायम करदे होए याद नूं ताजा रखदे होए आपां उन्हां दे सुरां च जिवें उन्हां दा लिहाजा सी कीर्तन उसे तरीके नाल करांगे। याद करांगे उन्हां दी वडियाई नूं उस स्थित नूं कि उन्होंने गुरु दे लेखे अपना जीवन कैवें लाया ते असी भी जो उस नाम की प्राप्ति करनी है तो फिर जरिया यह है। वैसे फिर सारा जीवन साडा धंदियां च निकल जाएगा। जरिया इको ही है कि उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार ये व्यवहार ही असी सीखना है साधु संतां कोलों। ते आओ सारे मिल के उस याद नूं ताजा करिए जिन्होंने सानू गुरु नाल हमेशा जोड़िया। तन 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 जन जो जाने
आधी गिनती। हृदय जो बैठा है शरीर सारे वर्ग है गुरु नानक देव जी का, गुरु अंगद देव पातशाह दसा पातशाह अखा दो बाजू साढ़े वर्गा तुहाडे वर्गा संगत वर्गा, पर हिरदा उर तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पिखे भगवान। फिर अगे जी गल है निमक निमक ये असी नहीं करते, बाकी काम तो निमक निमक करते हैं पर यही नहीं करते। ठाकुर नमस्कार ओ अपर सक नानक ओ अपर सकू, फिर कोई दुनिया की ताकत दुनिया का पदार्थ टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। ओदे वास्ते अस सारे इकट्ठे हो गए। साड़ी दिक्कत एक ही है, एक ही है माया, मन माया में फंद रहे हो, विसर गया हो ना, विसर यो गोविंद ना। मन जेड़ा माया दे विच साड़ा रम गया, माया की कहते ने हर की गत ना को जाने। नौवे पातशाह ने लिखे है बिहागड़ा राम, हर की गत ना को जाने। वड़े वड़े हार गए योगी यति तबी पच हारे,
अरबों लोग साडिया चतराइया चलाकिया साडा ताना बाणा सब इत आया सी हुक्म लिया सी मां दे गर्भ च किन्ने साल तू किन्ने जन्म तू कई जन्म पाए कीट पतंग भी असी एक मौका दे एक चांस तेरा नाम सिर्फ तेरा नाम जपना पर जिवें माता दे गर्भ चू बाहर निकलिया पहले प्यार लगा थन दुर तू जै माए बाप की सुध तीजे भैया बापी हो चौथे प्यार उपन्ने के पंजवें खान पीन की तान छेवें काम न पूछे सतवें संघ की अकारवास टुट गया संजम टुट गया काम तो बाद की भी उतरी आई कर अठवें क्रोध हुआ तन नाश क्रोध एक तो बंदा बोल के दस दें कंदर ही रह जाता है अखियां वेखी जांदियां बंदा कुड़दा रहिंदा नौवें तौले उपे साथी जिते आ गए दसवें दद्दा हुआ सुहा ते फिर जिहड़े संगी जन सी गए सो गीत पुकारे ता उड़िया हंस दसाए राह चला गया आत्मा जी चली गई मिट्टी रह गई आया गया मुए नाव पिछे पतन सदीवी खाओ खंड त्रो जी और चला गया एक कर्मकांड जेड़ा खंड पर तुसी खुद नहीं कर सकते जेड़ी बाणी तुसी कोल बह के जे पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते कर्मकांड बाणी सानू पढ़न दा उद्देश है गुर सतगुर का जो सिखा आए सो पलखे करना पर असी खंडपड़ कराना सी सारे जीन कोल बह के सुनना सी पर असी रिश्तेदारी सामने रह गए असी खंडपड़ सुख लिया हरिमंदर साहब असी खंडपड़ सुख लिया फलानी जगह अज सड़क हो गया अज पहुंचाना या हुक्मनामा व्हाट्सएप सच बड़ा कौड़ा है बड़ा कौड़ा है अमृत कौड़ा लिखिया भी साकत की बिद नैनो की समझ आ जाए सानू ते दूर नहीं है रस्ता पाना कोई दूर नहीं है चंगा साथी मिल जाए तो रस्ता जल्दी कट जाता है जे कोई कोई रस्ता सजे खबर खबे दसन सजे दसन या फिर गली ला लिया तो तुर पड़े होर पे अजकल ये धंधा बनया सच की गल किधरे नहीं है पिछे पतल सदीवी का नानक मनमुख अंध गबार बाज गुरु डुबा डुब गया संसार संसार नु इना माड़ा क्यों किया महाराज तुसीं कहंदे ने जिस प्यारे सोने हो बाबा फरीद जी कहंदे ने किसे आगे मर चली है मर जाना चाहिए सुहास देने चाहिए ने प्रीत किसी ना फिर अगे की लिखिया उन्होंने त्रिग जीवन संसार आके पाछे जीवन इस करके और तनुमंत वो महापुरश धनवंत धन ने तन्ने भगत ने जिन्होंने इस धरती का जन्म लैके अपना जीवन साध संगत के लिखे लाए तानने भगत तानने गुरु तानने सेवक जिन्होंने सेवा की सेवक तो बगैर दूजी गल ही नहीं की जाए वेख्या ही नहीं किसी ने वह तानने असी उन्होंने वर्गे बनना है नानक किस जन को सदा नमः
सिंह ने की खेल बड़ा छोटा सी जो गुरु नानक साहब इस धरती से आए संसार डुबिया पिया कर्म कांड लुकाई सारी खेल सारा शब्द सुरत का सी पर तन पता नहीं कितों आ गया साढ़े तन असी बना लिया पानी च खड़ के तवीतों च बन के चौंकड़े ला के कई तरह के पाठ पढ़े और वेद विचारे आपकी सारे उपमना में सुन निगल भुंगम साधे पंच जना सो संघ ना छुटकियो अदक अहै बुद्ध बार प्यारे इन बिद मिलन न जाए हार भरियो स्वामी के द्वारे जब तक तू हार नहीं भरे हार भरन तू मतलब ये कि तेरा तन जिथे बैठा होवे घर दे विच बाहर रिश्तेदारियां जो कार्य दुनिया ने करने पर मन गुरु को लो ये बाणी सारी मन की गल कर जिहदा मन कैम है उहदे कोल सब कुछ जिन्हें मन साध्या साध्या सी मन बाबा आनंद सिंह बिना नेत्रा तो की बाबा पूरन सिंह सारी जिंदगी सर्विस करके पूरी पर परिवार नाल पल रहा छुट्टी आंदे परिवार को पता ही नहीं सी है कि पहला गुरु ने मिल के तीन दिन दो दिन चार दिन उत्थे रह गए फिर घर आना जिन जिन पाया तिने छपाया क्योंकि बंदगी दस के नहीं की जाती सिमरन दस के नहीं किया जाता पर अज साडे अजोके ऐसे हालात ने कि असी सुनांदे हाँ दसदे हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਰਚ ਰਚ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5% ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5% ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 20% ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ 40-50 ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੜ ਪਾਏ ਖੀਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੜ ਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਭੁੱਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਗਾ ਪੈਰ ਚਾੜ ਕੇ ਕੱਦੂ ਪਰ ਮਨ ਕੱਦੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
सुरत संभाल दें भी साल का हो गया 18 का 15 का 22 का 25 का होश आ गई पता लग गया संसार किधर जा रहा है पर मां प्यो का भी फर्ज है बड़ा वड्डा जे बाबा जी सहाई ना होंगे तो अज असी इत्थे ना बैठे कर्म ते असी बीजे ने पिछे चंगे कर्म ते है ने पर गुरु गुरु बिना घोर अंधार गुरु बिना समझ ना गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न बहु फड़ के बहु फड़ के बाबा जी ने बिठाया ये जेरे पिछले अंकुर जेरे फुटे हैं गुरु दी संगत चंगे दी सच्चे दी निर्वैर दी बाबा जी क्या करते सन बाबा नानक सिंह जी अजकल गुरु तो बड़े बड़े बैठे हैं पर सतगुरु कोई गटला ही है एक ही है गुरु जी गद्दी उपाधि लैके बहुत बैठे हो पर सतगुरु एक ही जिहड़ा उहदे चरणे जाए पे आ फिर कहिंदे ने भाई गुरदास जी तन तन सतगुरसिख कहे ताने उहदा जनम ताने उहदा बैठिया तन उठिया तन खलोता सुता सब कुछ उहदा प्रवान कोई भी वचन कवे सब प्रवान प्रभ जी बसे साल की रसना तन तन सो गुर सिख कही है जिन हर नाम मुख राम गया ताने मुख जिन हर नाम सेवा की जिन्हें सुने जेड़ा बैठा है संगत जाके सारिया डिग्रियां दे रहे भाई गुरदास जी जिन्हें सतगुरु सेवा कर हर नाम ले सुनना बड़ी वड्डी ताकत चाहिए सुनने वास्ते सात संगत जी बड़ी वड्डी ताकत बोलन नालों भी ज्यादा धन बाबा नानक सिंह जी धन बाबा पूरन सिंह जी क्या करते सन सुनना जिन्हें सुन लिया ने मन लिया जिन्हें मन लिया वो चल पे जिन्हें सुने ही नहीं बड़ी बड़ी क्या करते सन एक संत साधु जा रहे सी रस्ते च मिसाल भी दिया करते सन कोई बोला लगा सिवाई खेती कर बाबा जी सुनाया करते सन नहीं सुनिया पूछिया ये रस्ता किधर जाता है एक बारी केयर नहीं सुनिया दूजी बारी कोल आया कन्नू बोला सी ना कहते रस्ता किधर जाता है कहते है बल्द तो मैं खरीदया आ एक सहरिया का साडा ध्यान भी इतने ही असि आए इतने हाँ और साडा वट्सअप नहीं बंद होना साडा फेसबुक साडा टीवी साडा ध्यान
अज तो विह जाना मज न पता नहीं पठे पाए होने कि नहीं पाए होने कहते एक बल मैं खरीदया एक मेरा जवाई आ सहरिया जिन्हें सुनिया मनिया जिन्हें मनिया चल पाया मन किया पा सचियार सिख बन की कोशिश करिए क्योंकि चतराइया गुरु तो रुकदिया नहीं है इस करके अपना जीवन बनाने बाबा जी जिन्हें साल कीर्तन किया इस धरती से इस लकाई से की क्या करते सन तुम सब पता जीवन कैवे बनेगा हर वरी कीर्तन करद्या होया ये मुक्त उचारते सन जीवन कैवे बनेगा जीवन बनाया बने जीवन बनाने वास्ते वडपागी हर संगत पा पाग ही भागा जरा कहता ना एक बंदा बाबा जी कहते संगत च लैके आंदा समझ लो उन्हें पिछले अद्धे कर्म कट ले जेड़ा जोड़दा तो जेड़ा तोड़दा ओदे वास्ते नरक खाली पे ये गल्लां बड़ियां कीमती ने साध संगत जी पर पल्ले बननियां बहुत जरूरी विण भागा सतसंग ना लवे विण संगत मैल गुनाह दी मैल पापा दी मैल संगत ये नहीं कि अज बाबा जी आए ने ते अज आई अज भाई साहब आए कीर्तन साहिब सदा हजूर है अगे पिछे भी है ही ने सबे घट राम बोला पर मैं के छोड़ काट के अंदर जोत ये मन का अंधेरा थोड़ी जी काल उतर जाए ना तो सानू दिसे इतने हर वारी इतने की सब जगह ही नहीं पर फिर भी जिते संगत बैठे जिथे गुरु का नाम उचारा जाए वो जगह धन है वो थान धन है जिथे गुरु का नाम लिया जाए Ah.
ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚੋ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਕਾ ਉਹ ਨੇ ਸੱਚ ਤਨ ਸੰਜੋ ਸੱਚ ਤਨ ਵਣਜੋ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੀਜਦੇ ਖਾਚ ਖਰਚ ਕਿਛ ਨਿਕਟਤ ਨਾ ਕੱਟੇਗਾ ਨਿਕਾ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਨ ਸਣਜੋ ਸੱਚ ਤਨ ਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚੇਗਾ ਵਣਜ ਕਰੇਗਾ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀਓ ਇਹ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਸਫਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਏ ਪਰ ਸਫਲੇ ਕੋਈ ਵਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਗੋਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾ ਲਏ ਖਲੀ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਦੋਂ ਭਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰੜਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਗ ਹੈ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਧੱਕੇ ਜੰਗੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਟਨਕਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਟਨਕਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਫਲਾਲੇ 50 ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਧੂ
बड़े डेरे हैं, टनका के वेखो भी कितने साड़ी खलासी हो रही है। पर वड्डी दिक्कत है भी जे सानू नाम बाणी का अभ्यास नहीं तो फिर की करांगे, जेड़ा अगला कहेगा है गोली खा लै असीं भी खा लेंगे। अद्धा बंदा खुद डाक्टर है पर बाणी दे इस रस्ते की तो साढ़े को गुरु साहब ने 1430 अंग वड्डा दवाई का जेड़ा सर्व रोग का औखद नाम सारिया दवाइया का वड्डा कैप्सूल जेड़ा कभी बीमार नहीं होने देता। रोगी का पवर खंडो रोग दुखिए का मिठावो प्रभ सो मिठावे को तुम खान बता दास अपने को पर लाना तू है लगना असी है पर असी आईए तो सही जाइए तो सही बैठिए तो सही। बड़िया गल्लां ने विच विच जीवन भी विचारांगे और नाल संसारिक सेध भी लैनी। क्यों? क्योंकि दिलियां साखी उस टाइम की उदाहरण सी बड़ी वड्डी जो गुरु नानक साहब ने 10 पातशाहियां ने इतिहास रचिया। पर अज कल युग की वार्ता कुछ होर है, समा बदलिया, गुरु साहब की बाणी उही है, सब कुछ उही है, पर हुण मोबाइल आ गए, घोड़े नहीं रहे, छत पक्के हो गए ने, कच्चे घर नहीं रहे, टैलीविजन का पहला हाथ ना बजाई होंदी सी, अजकल मशीन है। तो जे सानू तरक्की उथों मिली है तो फिर असी अपने मन में भी तरक्की वाले पास लै आईए कि सौखे तरीके ना नाम कैवें जपया जा सके, कैवें गुरु की प्राप्ति की जा सके। ये संगत गुरु की करके मिलना, संगत जिनी किसी की जो किसी शराबी की आप संगत करिए ना तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने बंदा पीन लग जाता, चाहे सौंफी जिन्ना मर्जी हो, नशे खाने वाले ना बैठा ना वो ऐसा बन जाए। पर जे असी नाम दे अभ्यासियों की संगत करांगे, सच दे अभ्यासियों, साडा मन ऐसा हो जाए। बाकी लैके ना कोई आया इस धरती से ना ही लैके जाना है, ये धरती से सब कुछ इत्थे ही है। एक रैन की ब्राह्मण तुम बहु युग आओ समझ आए, बड़े वड्डे जो दिसे लोग तिनको व्यापे, ये सारी चिंता उन्होंने भी है। कौन वड्डा कहिंदे ने, पुछदे ने कौन है, माया वड्डियाई कहिंदे नहीं, सो वड्डा जिन राम लेवल आए, जिन्हें राम दे नाल प्यार किया उस राम नाल, ते आओ फिर बाबा नानक सिंह जी दा ये उन्हां दी जिहड़ी बाणी गुरु गुरु है बाणी, पर उन्होंने जिस अंदाज अपने ना गाया असी भी उन्होंने अज याद करांगे बाबा नानक सिंह जी।